आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स का दावा है कि उसे 34 दिन में सांप ने छठी बार काटा है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर भी काफी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। फतेहपुर से ये बेहद ही चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जिसे सुनकर कानों को यकीन नहीं होता। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 34 दिनों में सांप ने उसे छठी बार डस लिया। उसका ये भी कहना है कि जब जब सांप उसे काटता है तो वो उसका इलाज करवा के ठीक भी हो जाता है। उसके शरीर में कई निशान भी है। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान है। जब सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है और शनिवार और रविवार को सांप ने काटा है। फिर क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 3 बार जब काट चुका था तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि तुम कहीं अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहो जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए थे, फिर भी वहाँ सांप ने हमको दोबारा से काट लिया। फिर आगे क्या हुआ? फिर इसके बाद में जब वहाँ से आए तो फिर चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी लास्ट बार सांप ने वहाँ भी काट लिया। विकास के घर वालों के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। दूसरी बार 10 जून की रात को फिर सांप ने काटा। इलाज के बाद फिर घर आ गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। विकास के दिल में सांप का डर बैठ गया है। उसका कहना है कि सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर भी डस लिया। पहले से हमारे बाईं आंख फड़कने लगती है और अंदर से डर जैसा आभास होने लगता है कि आज के दिन ही काटेगा। आप सांप को देख पाते हैं जब काटता है? 3 बार देखा है, 3 बार नहीं देखा है। नहीं देख पाए हैं। क्या आपको और कोई आभास हुआ कि 9 बार काटेगा तो क्या होगा? हाँ, सांप ने मतलब पहले आभास हुआ था जब 3री बार काटा था, तब सपने के रूप में आया था। 3री बार जब सांप 9 बार काटेगा, 9 बार में 6 बार अभी काट चुका है और 9वीं बार में बोला है कि अपने साथ हम तुमको ले जाएंगे, कोई भी शक्ति डॉक्टर कोई भी तुमको कुछ नहीं बचा सकता। विकास के घर वाले भी बेहद चिंतित हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान हैं। कहता है कि मैं घर में लेटा रहता हूँ, मुझे सांप काट लेता है, काटने के बाद जैसे काटता है तो सीधे अस्पताल ही आता है, बाकी कहीं नहीं चला जाता है। और जाने के बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी स्नेक वेनम और जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है समझो अपना इमरजेंसी वाला वो देते हैं। मरीज यानी 24 से 48 घंटे के बीच में ठीक भी होता है। सांप बार बार क्यों काट रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये मुमकिन हो सकता है? इस पर आसानी से यकीन तो नहीं किया जा सकता। शख्स के अपने दावे हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता। फतेहपुर से न्यूज 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।